और गाना क्या शूट हो रहा है कुछ बताइए उसके बारे में। सबसे पहले मैं मोहन राठौर, सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, और बड़े भैया मनोज पांडे जी मेरे साथ हैं, और हमारे सर हैं जसवंत सर जी। आज इनके फिल्म में जनता दरबार, इस फिल्म में मुझे गाना गाने का अवसर मिला, और बड़ा ही लक्की फिल्म होता है सर का, आज गाने का अवसर मिला, इसके लिए बड़े सौभाग्यशाली हैं हम। और बस बहुत ही अच्छा लग रहा है, और बड़े भैया मनोज भैया हीरो हैं और बहुत ही बढ़िया लग रहा बाटे, बहुत ही अच्छा गाना है, गाना पक्का हिट होगा। तो गाना गा रहे थे अंदर, लोग झूम रहे थे, किस तरह का गाना है लोगों को बताइए कुछ गाने के बारे में। बस तू अंगूर की रानी है, तेरी कातिल जवानी है, और इसका मतलब आप समझ ही सकते हैं कैसा मिजाज होगा इस गाने का। इसका कंपोजिशन और म्यूजिक डायरेक्टर साहिल भैया हैं, बड़े ही अच्छे हैं, और बड़ा बढ़िया लग रहा है। और अलका झा जी इसमें डुएट गा रही हैं मेरे साथ, बहुत मज़ा आया है। तो ये सर आप बताइए किस तरह की फिल्म होगी, और आप इसमें लीड कर रहे हैं तो क्या कहेंगे फिल्म के बारे में? जी पहले तो मैं कहूँगा मनोज आर पांडे की ओर से मेरे सभी दर्शकों को दिल से प्यार है, जो छोटे उनको प्यार है, जो बड़े हैं उनको प्रणाम है, जो मेरे भाई हैं उनको गले लग के बहुत सारा प्यार है। फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जसवंत जी, जसवंत जी कोई ऐसा नाम नहीं है जिसको कोई ना जानता हो, भोजपुरी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। अगर कह लें कि इंडस्ट्री में चार प्रोड्यूसर्स हैं जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, तो उसमें से एक प्रोड्यूसर खुद जसवंत जी हैं। कभी 2015 को किसी ने संभाला तो 2016 को जसवंत जी ने संभाल लिया, कभी किसी ने 17 को संभाला तो 18 को इन्होंने संभाल लिया। तो ये कह सकते हैं दर किसी ना किसी साल को तो इस प्रोड्यूसर ने संभाला है। और बड़े एक्टरों की बात कर दें तो शायद ही कोई बड़ा एक्टर बचा हो जो इनके साथ काम ना करना चाहता हो या काम ना किया हो। इनका एक बहुत बड़ा गाना हिट गाना रहा है पलनिया, तो ये बहुत बड़ा नाम है। जसवंत जी फिर एक बार बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं, फिल्म का नाम है जनता दरबार, और फिल्म में जो गाना गाया है अभी आप लोगों ने देखा मोहन राठौड़ ने गाया है। मोहन राठौड़ के लिए मैं यही कहूँगा ये एक संघर्षरत इंसान है। जब मेरे सामने पहली बार मोहन आए थे तो दाढ़ी बहुत कम थी, साइज़ कम था, ठीक है, उतनी परिपक्वता नहीं थी, पर कोशिश हमेशा यही थी कि मैं कुछ बड़ा कर सकूं, कुछ अच्छा कर सकूं। नेचर जो पहले था वही आज भी, सिग्नेचर भी वही है ना, बदला तो नहीं है तो इंसान का ना सिग्नेचर बदला है ना नेचर बदला है। मोहन एक बड़े स्टेज पर जाकर भी आए हैं, जो हमारी भोजपुरी जगत के लिए बहुत बड़ा रहा है। आज की डेट में मोहन राठौड़ भी एक बड़ा नाम है। बाकी आपके सामने मनोज आर पांडे हैं, जो अपनी ओर से कोशिश करते हैं कि हर बार मैं किसी को भी नाराज़ करूं, पर आप सब जानते हैं मैं अपने दर्शकों को नाराज़ नहीं करता, मैं पूरे दिल से पूरी श्रद्धा से अपने परफॉर्म को करता हूँ, प्ले करता हूँ, जिसे आप लोग सराहते हैं। किसी को प्यार दे ना दे, हर सिनेमा में आप लोग मुझे प्यार देते हैं, कभी दुट्टू गलत नहीं बोलते हैं, इसके लिए मैं सदा आप लोगों का आभारी हूँ, आगे भी रहूँगा। तो इस फिल्म का दरबार किस तरह की फिल्म है, इसके बारे में कुछ बताइए। जहाँ मिलता है सबको प्यार, वही है जसवंत जी का जनता दरबार। यहाँ गरीबों का मसीहा कह लो, हीरो मसीहा होता नहीं, उसके कर्म उसे बना देते हैं। तो मैं आप लोगों से भी कहूँगा अच्छे कर्म करिएगा, ताकि आपके यहाँ भी दरबार लगे जनता का, और आपका घर भी जनता दरबार हो जाए। ऐसी एक कहानी है जनता दरबार की। बाकी बातें जसवंत जी बताएं। जी सबसे पहले तो आप मीडिया भाई और अपने दर्शकों को प्रणाम नमस्ते, मैं जसवंत कुमार, और आज यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हम अपनी एक नई फिल्म लेके आ रहे हैं जिसका नाम है जनता दरबार। और उस जनता दरबार के हमारे भाई मनोज आर पांडे जी जो है मुख्य लीड में यही जो है उसके हीरो हैं, और आज हमारे मोहन भाई जो कि बहुत अच्छे दोस्त छोटे भाई जैसे हैं, और काफ़ी हमारी फिल्मों में गाना पहले भी गा चुके हैं, तो आज पहला गाना इनसे शुरुआत हुआ और बहुत ही ज़बरदस्त गाना इन्होंने गाया है, 2021 का बड़ा हिट है। और अब ये तो अपने दर्शक भाई में पहले दर्शक को भगवान के हाथ में होता है कि वो चीज़ें हैं। हमारी पत्नी यहाँ खड़ी हैं संगीता जी, और हमारी भाभी खड़ी हैं बड़ी भाभी, जो भाई साहब अमिताभ बच्चन जी खड़े हैं गोविंद भैया। तो आज ये स्टूडियो पे जो अपना गाना स्टार्ट हुआ है मोहन भाई और जो है मोहन राठौर जी की आवाज़ में और अलका झा जी की आवाज़ में डुएट गाना जो है
और सब उसी गाने पे झूम रहे थे। इसके पहले तो आप लोग जान ही रहे हैं कि मतलब सरकार राज वांटेड हमने जो दिया है, दर्शकों ने बहुत प्यार दिया है और मुझे बहुत ही उम्मीद है कि हमारी इस फिल्म जनता दरबार को जो है फिर मुझे बहुत सारा प्यार मिलने वाला है और ये हमारे दर्शक भाइयों के मतलब सहयोग से, उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है। इनको दर्शकों का टेस्ट पता है ये आप हर बार हिट कैसे देते हैं। हाँ, इसलिए कि देखिए अभी जनता दरबार में भी जो कहानी आ रही है और जो गाने आ रहे हैं इसके, वो जरूर दर्शक एक बहुत ही नया नहीं, पर आपको कैसे पता कि यही दर्शक पसंद करते हैं? नहीं, मैं जानता हूँ, तो हिट कैसे हो जाता है? अपने दर्शक भाइयों का मुझे मालूम है टेस्ट, उनको क्या चाहिए तो उस हिसाब से हमारी पूरी कोशिश रहती है और इनका प्यार आशीर्वाद फिर मिलेगा मुझे। ये पूरी श्रद्धा और लगन से ये खुद म्यूजिकल है और हमारे कुछ करते हैं। हमारी फिल्म के डायरेक्टर हैं आर के शुक्ला जी, लीड हमारे मनोज आर पांडे भाई हैं, बाकी और जो है संग्राम सिंह पटेल जी हैं और मयंक दुबे हैं, बहुत सारे कलाकारों का सारे नाम अभी बताऊंगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे टेक्नीशियन रहेंगे, अच्छे आर्टिस्ट सब इसमें रख रहे हैं तो साथ में सब काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल तो हम गाने से शुरुआत की है और बहुत जल्द इसकी शूटिंग की जाएगी जो कि आप दर्शक भाइयों के बीच में आएगा। आप लोग फिर अपना प्यार और आशीर्वाद फिर से इस जसवंत कुमार पे बनाइएगा, हमारी फिल्म पे बनाइएगा। इनको तो हमेशा हम कहते हैं तथास्तु रहता है आपका। पत्नी जी हमारी बोलेंगे, संगीता जी बोलिए आप। सर, लोकेशन क्या क्या है फिल्म का और कहाँ शूट होंगे, कब शूट करेंगे आप? चूंकि इसका शूट का मेरा जो प्रोग्राम है अभी फरवरी लास्ट में जो है फेब में लास्ट में हम लोग कर रहे हैं इसका शूट और ये शूटिंग करेंगे उत्तर प्रदेश में। कई लोकेशन इसके लिए मतलब देख लिए गए हैं, अच्छे अच्छे लोकेशन है और क्योंकि कहानी फिर कुछ लेके आ रहा हूँ अलग, तो काफ़ी अच्छा अच्छा लोकेशन मिल रहा है इसमें। जो थोड़ा सा गुप्त रखते हैं क्योंकि पहले ही बता दें है, रखना पड़ता है। हमेशा एक कहना होता है कि जब मैं दिखाई दूंगा तो मैं दिखाऊंगा क्या। जी सब कुछ रिवील हो गया, हीरोइन रिवील नहीं हुई, कौन है हीरोइन? सर अब भाई से बढ़ के भौजाई हो जाइए मेरे दर्शक के लिए। हीरोइन भी इसमें बहुत अच्छी, मतलब इसमें जैसे कि मतलब आकांक्षा अवस्थी जी हैं जो कि दबंग सरकार और विवाह की हीरोइन है, आप लोग को पता है, वो लीड कर रही हैं भाई के साथ में, और जोया खान है, उसके बाद में संजना सिल्की ना संजना सिल तो जो एट अ टाइम सारे ब्रजेश त्रिपाठी जी और जयप्रकाश सिंह, मतलब बहुत सारे इसमें कलाकार अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। अभी कुछ कलाकारों का और चल रहा है चुनाव। अच्छा जसवंत जी, सब कहते हैं कि आपके पीछे, सबके पीछे माँ बाप का तो हाथ होता ही है, वो है सदा से, मैं देख रहा हूँ कि मम्मी का हमेशा आशीर्वाद रहा है, लेकिन लक्ष्मी के रूप में लक्ष्मी मिल गई। हाँ, जब से हमारी पत्नी आई हमारे जिंदगी में तो आप लोग देख ही रहे हैं, सरकार राज वांटेड, अभी जनता दरबार, और मतलब होम मिनिस्ट्री से पूरा सपोर्ट रहता है। बिल्कुल सपोर्ट रहता है, मेरी भाभी बहुत सपोर्ट करती हैं जो आए। अभी ये लोग दो शब्द अपने बारे में कहेंगे। हाँ, इसके पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ अपने दर्शक भाइयों से कि जसवंत कुमार भी एक दमदार रोल में आ रहे हैं इसमें, जो कि पहले आप लोगों ने मुझे रोल में भी मतलब मेरी एक्टिंग को बहुत सराहा है और बहुत आशीर्वाद दिया है, फिर आशीर्वाद दीजिएगा। ये पहले तो एक्टर हैं, जब इनको एक्टिंग से संतुष्टि नहीं मिली ना तो इन्होंने कहा अब मैं प्रोड्यूस करके संतुष्टि लूंगा और पब्लिक को और अच्छा बड़े से बड़ा किरदार करके दिखाऊंगा, क्योंकि ऑडियंस को ये कभी नाराज नहीं करते। मैंने कहा ना, ऑडियंस का टेस्ट ये बराबर जानते हैं। पहले मीडिया भाई को नमस्ते करूंगी और दर्शकों को नमस्ते करना चाहूंगी। तो फिल्म कैसे जुड़ी हैं आप? सर तो फिल्म बना रहे हैं तो आप इनका कितना सपोर्ट? यार अब हस्बैंड सेलेक्ट, पूरा सपोर्ट ए टू जेड है, अब क्या चाहिए? आप कुछ कहेंगी? आज फिल्म का मुहूर्त है जी, सबको मेरा प्रणाम। और जो मेरे देवर जी नया फिल्म लेके आ रहे जनता दरबार, जिस तरह ये टाइटल आप सुन रहे हैं जनता दरबार, तो उसी तरह जब रिलीज होगी तो जनता का एक दरबार लग जाएगा, आप लोग ये जरूर देखिएगा। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे भाई साहब जो छोटे हैं जसवंत कुमार जी, उन्होंने सरकार राज वांटेड के बाद अभी लेके आ रहे जनता दरबार, और सबसे बड़ी बात तो मैं भूल गया ये कि भोजपुरिया समाज को मेरा नमस्कार। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम इतना ही कहेंगे कि आप जनता दरबार जब तक नहीं आती तब तक इंतजार करिए और दिल थाम के बैठिए बस। और एक संदेश और देना चाहता हूँ, कि आज के दौर में जो हमारी दुनिया में महामारी फैली है किरोना फिरोना, इससे जरा भी मत डरिएगा, एका करेगा किरोना फिरोना ठेंगा दिखा के हमारे जनता दरबार में मिलते हैं। नमस्कार, थैंक यू।
सर एक गाना जो अभी बच्चों को बुला लो अंदर, बोल सुना दीजिए आप। क्या ये गाना बोला बट गाना देख लीजिएगा तो फिर डालेंगे तो कोई तुरंत चोरी करके तुरंत तो रिलीज कर देगा। कोई दूसरा गा दीजिए, एक गाना दूसरा गा, एक गाना गा देते हैं पीछे पड़े हैं कितने तेरे जैसे, लेके हाथों में ढेर सारे पैसे, अंगूर सभी ना किसी को छून देगी, सुन रे जिलेबी सुन सुन रे जिलेबी, कमर हिलाने का किराया क्या लेगी, सुन रे जिलेबी सुन सुन रे जिलेबी, कमर हिलाने का किराया क्या लेगी। ये सोनी म्यूजिक कंपनी से आया था मेरा गाना, बहुत ही अच्छा हिट हुआ और आप सबका प्यार ऐसे ही बना रहे, बस थैंक यू।